एक ऐसा शहर जहाँ जाते ही आपके पास लड़कियों की लंबी लाइन लग जाती है। दोस्तों, क्या आपने ऐसा शहर के बारे में सुना है जहाँ लाल गाड़ियों पर बैन हो चुका है? और क्या आपने ऐसा रेस्टोरेंट देखा है जहाँ खाने खाने से लेकर बिल पे करने तक रोबोट को काम में लिया जाता है? अगर नहीं पता तो इस वीडियो में हम आपको एशिया के उन टॉप 5 शहरों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। नंबर 1, टोक्यो। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एशिया के सबसे खुशहाल शहर की, जिसका नाम है टोक्यो। एशिया के सबसे खुशहाल और अमीर दोनों ही लिस्ट में पहले नंबर पर आने वाले इस शहर के बारे में जानकर और यहाँ जाकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि टोक्यो जापान की कैपिटल सिटी है, जिसकी GDP 1.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। जापान की कैपिटल सिटी होने के साथ साथ टोक्यो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। 2194 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस शहर को जापान का सबसे मॉडर्न शहर कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बात बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की हो या बड़े बिजनेस सेटअप की, टोक्यो हर दिशा में सबसे आगे है। एक समय में मछुआरों के गांव के तौर पर पहचाना जाने वाला ये शहर आज इस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां पहुंचने में कई बड़े शहरों को लंबा समय लगा। साफ सफाई हो या मॉडर्न ग्रेट टोक्यो, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। अगर आप एक ऐसी लाइफ का मजा उठाना चाहते हैं जहां हर काम रोबोट करते हो, तब भी आप टोक्यो का रुख कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा शहर है जहां रेस्टोरेंट्स में खाना खाने से लेकर बिल पे करने तक में रोबोट को काम में लिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, शहर की सफाई का जिम्मा भी कई रोबोट को सौंपा जा चुका है। रईसों वाली लाइफस्टाइल क्या होती है, ये जानने के लिए आपको टोक्यो का एक दौरा तो जरूर करना चाहिए। दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने वाला ये शहर आज हर युवा की आंखों में बसता है। शायद आप भी उन्हीं लोगों में से एक हो जो टोक्यो में अपना जिंदगी गुजारना चाहते हो, तो आप बेशक जाइए, क्योंकि टोक्यो में दूसरे देशों से युवा हर साल अपना हाथ आजमाने आते हैं, और अगर इनमें स्किल है तो वह कभी निराश होकर नहीं जाते। नंबर 2, सियोल। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आने वाला शहर सियोल, जो कि साउथ कोरिया की कैपिटल सिटी है। सिर्फ कैपिटल सिटी ही नहीं, ये शहर साउथ कोरिया की फाइनेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेंटर है। कमाई के मामले में इस शहर का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, क्योंकि साउथ कोरिया की GDP में लगभग आधी हिस्सेदारी सियोल शहर की है। आज के टाइम में इस शहर की GDP लगभग 1.84 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। आपको बता दें कि हुंडई, किया, LG और सैमसंग जैसी कई बड़ी कंपनी के हेडक्वार्टर सियोल शहर में ही है। आज हम जिस मजबूत सियोल शहर को देखते हैं, वह कुछ समय पहले खंडर से ज्यादा और कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ 50 सालों में सियोल ने वह करके दिखाया जो करने के लिए दूसरे शहरों को कई सालों का समय लग जाता है। आज यह शहर आर्थिक रूप से शक्तिशाली शहर है और दूसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र भी। सियोल आपका दिल खोलकर स्वागत करेगा। इससे शहर के लोग और खूबसूरती दोनों ही आपको बेहद खुश करेंगे। हो सकता है कि यहाँ का लाइफस्टाइल आपके बजट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन यकीन मानिए, एक बार जो आप यहाँ के लाइफस्टाइल में लग गए तो बड़े बड़े देशों को भूल जाएंगे। नंबर 3, ओसाका। अब जिस शहर के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है ओसाका। ये जापान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और हमारी लिस्ट के हिसाब से एशिया का तीसरा सबसे खुशहाल शहर। ऐसा लगता है जैसे ओसाका का लकी नंबर 3 है। 3 लकी नंबर कैसे है, अगर ये जानना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि ओसाका का एशिया का तीसरा सबसे अमीर शहर भी है। इस शहर की GDP 181 बिलियन डॉलर है। ये सिटी टोक्यो से पहले जापान का इकोनॉमिक हब हुआ करता था। आज इकोनॉमिक हब भले ओसाका ना रहा हो, लेकिन अमीरी और खुशहाली के मामले में ये कई बड़े बड़े शहरों को पछाड़ता है। खूबसूरत बिल्डिंग और पारंपरिक संस्कृति इस शहर को एक अलग पहचान देती है। आज के टाइम में ओसाका को नेशनल किचन के रूप में जाना जाता है। ओसाका शहर की नाइट लाइफ और लाइफस्टाइल दोनों ही आपको चौंका सकते हैं। इस शहर में लोगों की भीड़ के अलावा एक अलग ही कल्चर देखने को मिलता है, जो जापान का एक महत्वपूर्ण टेक्सटाइल केंद्र है। 3 तरफ पहाड़ियों से घिरे इस शहर को एक तरफ से ओसाका खाड़ी गिरती है। ऊंची ऊंची इमारतें और भागते गाड़ियां इस शहर को जापान का एक फेमस शहर बनाती है। ये देखने में इतना ज्यादा खूबसूरत है कि आप दंग रह जाएंगे। हर साल ओसाका में औसतन 20 लाख लोग घूमने आते हैं, जो यहाँ के फेस्टिवल्स को देखते ही रह जाते हैं। इस शहर के लोग इंटेलिजेंट और काफी मेहनती होते हैं, यही कारण है कि आज वह सबसे ज्यादा खुशहाल भी है। इस शहर के लोगों की एक और खास बात यह है कि कभी भी अपना काम किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ते जैसा हम छोड़ देते, बल्कि उसे करने में विश्वास करते और हर छोटी छोटी चीज में खुशी ढूंढ ही लेते। अपने काम के लिए ये लोग इतनी लगान रखते हैं कि समय से पहले ही ऑफिस में नजर आते हैं।
इस शहर की खूबसूरती को बढ़ाती है यहाँ की सफाई। ओसाका को जापान के सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाता है। यहाँ सड़कें आपको इतनी साफ नजर आएंगी जितनी हमारे यहाँ शायद सपनों में भी नजर ना आए। ऊपर से सड़क किनारे लाइटिंग का एक फिक्स पैटर्न है। वाकई ये सब लाजवाब है। वैसे समय से आगे कैसे जीना है या समय के आगे कैसे सोचना है, ये हमें ओसाका से सीख लेनी चाहिए। नंबर 4, शंघाई। दोस्तों, चीन के फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से दुनिया भर में अपना दबदबा बनाने वाला शंघाई इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है, जिसकी GDP है $680 बिलियन। एशिया का कमर्शियल और फाइनेंशियल हब शंघाई खुशहाली के मामले में अपने आप को अच्छे नंबर पर खड़ा कर पाया है, तो उसके पीछे का कारण भी है इस शहर की अमीरी। क्योंकि दुख और निराशा दोनों अक्सर वह दस्तक देते हैं जहाँ पैसे की किल्लत हो, लेकिन जहाँ पैसा होता है वहाँ पर खुशहाली भर भर के होती है। करीब 23 मिलियन की आबादी वाले इस शहर में स्पेशल तरह का मेला लगता है, जहाँ सैकड़ों शंघाई माता पिता अपने बच्चों के लिए साथी ढूंढने को आते हैं। इस बाजार को शंघाई मैरिज मार्केट कहा जाता है। शंघाई चीन का सबसे लोकप्रिय शहर है, जहाँ हर साल लोगों की भीड़ पहुँचती है। शंघाई की एक खास बात बताऊं, अगर आप यहां जाते हो तो आपकी चीनी भाषा में एक्सपर्ट होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इस शहर में बच्चों को बचपन से ही फर्स्ट क्लास इंग्लिश सिखाई जाती है, तो आप इंग्लिश से भी काम चला सकते हैं। एक और बात, अगर आप इस शहर में जाते हैं तो शॉपिंग के वक्त अपना बैग लेकर जाए, क्योंकि यहाँ किराने वाले भी प्लास्टिक की थैलियों के लिए लंबा चार्ज आपसे वसूल करेंगे, तो इससे बचने के लिए अपने हाथ में एक बैग जरूर रखें। शंघाई में लोकल सिविलियन से ज्यादा संख्या बाहरी लोगों की नजर आती है जो यहाँ जॉब के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि शंघाई चीन के इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है जो उसे अच्छा खासा रेवेन्यू देती है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग और सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क इसी शहर में। यहाँ की नाइट लाइफ और स्ट्रीट आपको दीवाना बनाकर छोड़ेंगे। अगर आप लाल गाड़ियों के शौकीन हैं तो शंघाई में आपको ये शौक पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ लाल गाड़ियों से इतनी नफरत की जाती है कि अब लाल गाड़ियों को देखना भी बैन कर दिया है। ऐसा कहा जाता है कि ये सिटी करीब 4000 साल पुराना है। ये चीन का सबसे बड़ा शहर है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ के अमीर लोग इस शहर के लाइफस्टाइल को लग्जरियस लाइफस्टाइल बनाते हैं। यूं तो यहाँ का लाइफस्टाइल आपको भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इस शहर में रहना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ये काफी महंगे है। लेकिन यहाँ की खुशहाली एक टाइम आपको और मजबूत कर देंगे अपनी जेब में हाथ डालने के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग काफी खुशहाल माने जाते हैं, क्योंकि ये दूसरों से ज्यादा अपनी लाइफ में जुटे रहते हैं। अगर आपको भी खुश रहना है तो ये फंडा आप भी अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। नंबर 5, बीजिंग। भाई, चाइना जैसे देश के शहरों को खुशहाल होना तो बनता ही है, इसीलिए तो हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है बीजिंग, जहाँ इतनी अमीरी है कि खुशहाली तो खुद ब खुद आ जाती है। इस शहर की GDP $286 बिलियन है और इस शहर में 54 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज है। और तो और, इस शहर को लीनियस ईयर्स कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लीनियर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। बीजिंग, जैसे पहले पेकिंग नाम से भी जाना जाता था, ये चीन की राजधानी है और दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर होने के साथ साथ दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला कैपिटल शहर भी है। चीन की कैपिटल सिटी बीजिंग में 2,15,00,000 से भी ज्यादा लोग आज की तारीख में रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी बीजिंग एक ऐसा शहर है जो आज महान, फेमस और मॉडर्न शहर कहलाता है। पारंपरिक वास्तुकला इस शहर की पहचान है। बाल चाहे स्टेबल इकोनॉमी की हो या शिक्षा और इतिहास, बीजिंग हर मामले में समृद्ध है। यही कारण है कि इस शहर के लोग अब इतना निखाल कर आया है कि आपको बता दे कि बीजिंग का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है। साल 2008 में इस शहर ने समर ओलंपिक की मेजबानी की थी और साल 2022 में यहाँ विंटर ओलंपिक्स ने अपना दबदबा बनाया। शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर देने वाले इस शहर में 91 यूनिवर्सिटी है, जिनमें से ज्यादातर चीन में है। बीजिंग चीन के लिए काफी जरूरी शहर है, इसलिए चीन की बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों के मुख्यालय आपको यहीं देखने को मिलते हैं। बीजिंग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पैसेंजर ट्रैफिक के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बीजिंग एयरपोर्ट है। बिजनेस हब बनने को तैयार बैठे बीजिंग में कई बड़ी बड़ी कंपनी के हेडक्वार्टर है। इस शहर का जांगुचुकुन इलाका चीन के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये चीन में नई खोजों और तकनीकी उद्योगों का केंद्र है। दरअसल बीजिंग के आसपास के इलाकों में स्थित प्राचीन गुफाओं में 2,00,000 से 24,000 साल पुराने मानव कंकाल पाए गए, जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस इलाके में इंसान काफी लंबे समय से रह रहा है। अब सोचिए, जब इतने लंबे समय से जिस शहर में इंसानों का बसेरा हो तो भला आपको कैसे उदास कर सकता है। अगर आप चाहते हैं तो कि ऐसे शहर में जाना जहाँ खुशियाँ अपार हो, तो एक बार बीजिंग जरूर जाना।
तो दोस्तों कैसे लगे हमारे आज के वीडियो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। और ऐसे ही और भी वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।